बेलर एक ऐसी मशीन है जो ट्रैक्टर के पीछे लगती है, वो खेत से चारे को, सूखे चारे को उठाती है और फिर उसको गट्ठर बना देती है। और बेलर को देखिए, ये आगे से, ये इसमें एक रील लगी होती है, ये चारे को वहाँ से उठाता है, फिर वो वापस कन्वेयर पे लाता है। कन्वेयर पे लाने के बाद दो रैम लगे होते हैं, वो उन उसको कंप्रेशन चैम्बर में डालते हैं, और कंप्रेशन चैम्बर में डालने के बाद फिर एक रैम होता है, वो सूखी घास को प्रेस करता है। तो जब एक डेफिनेट घनत्व तक घास पहुंच जाती है, तो उसके बाद उसका जो बांधने वाला मैकेनिज्म होता है वो एक्टिवेट होता है, और वो सूखी घास को गट्ठर के रूप में बांध देता है, और वो घास रस्सी को वहीं से काट देता है, तो वो एक बंधे हुए गट्ठर के रूप में बेल बन जाती है, और वो बेल बन के पीछे से उसमें गिरने लगती है। और फिर इसको यदि सामने से देखें तो ये, मतलब देखिए कैसे अच्छे से ये घास उठा लेता है और इसका बेल बना देता है। अब इसके लिए क्या है कि घास, अगर आप सूखी हुई घास से बेल बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हरी हरी घास, हरे चारे से बनाने में उसमें फिर फंगस लगने लगती है और वो बेल ज़्यादा दिन रख नहीं सकते हैं। तो इस तरह आप इस बेलर का ऑपरेशन देख सकते हैं। ये बेलर थोड़ा कीमती मशीन है, तो ये कम्युनिटी बेसिस पे या कोऑपरेटिव में या कस्टम हायरिंग सेंटर पे इसको एक रखा जा सकता है, जहाँ बहुत सारे चारागाह हैं या बहुत घास होती है, तो सीजन में घास को काट के, सुखा के और फिर उसको बेल बना के रख लेते हैं। और फिर बेल बनाने के लिए, बनाने के लिए तो ये मशीन हो गई। अब बेल को स्टोर करते हैं। स्टोर करने के लिए एक प्लिंथ होता है, प्लिंथ पे उसको आप स्टोर करते जाएं और उसको पॉलीथीन से कवर कर लें, तो वो कवर एंड प्लिंथ स्टोरेज सिस्टम कहलाता है। और इस कवर एंड प्लिंथ स्टोरेज सिस्टम में आपका बेल एक साल तक सुरक्षित रह सकता है, और फिर जब जरूरत हो तो इसको आप किसी को दे सकते हैं, या कहीं नेचुरल कैलामिटी है, कहीं वो डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो आप इसे ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसका मेन काम यही है कि बेल बना के ट्रांसपोर्ट कर लें, बेल बना के स्टोर कर लें, फिर उसको ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करें। तो इस तरह आपका जो सीजन में हरा चारा हुआ है उसका आप अच्छे से उसको प्रयोग कर सकते हैं, और ज़रूरत आने पे उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ इस डिवीज़न में भी इस तरह कई बार किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद।